गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. नाउ ओपन योर हेलो इंग्लिश बुक लेसन 9 पेज 70. अ किंग्स ब्लंडर. ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती. ठीक है, तो एक राजा की बहुत बड़ी गलती. बेटा ये स्टोरी श्रवण कुमार की है और दशरथ जी की. कैसे दशरथ जी ने श्रवण कुमार को भूलवश मार डाला. देखिए ये बात उस समय की है जब ये राजकुमार थे दशरथ जी. इनके पिताजी का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था. कोसल के राजा रानी थे ये लोग. ये राजकुमार थे दशरथ. सरयू नदी के किनारे है कोसल. और उस समय आसपास बहुत जंगल हुआ करता था जिसमें बहुत से ऐसे जानवर थे जिनका लोग शिकार करते थे. उस समय शिकार करना एक मनोरंजन का विषय माना जाता था. तो इनके पिताजी अज ने, इनके पिताजी जिनका नाम अज था, उन्होंने इनको हर कला सिखाई, हर विद्या सिखाई जो एक क्षत्रिय योद्धा के पास जो कला होनी चाहिए, जो आर्ट होनी चाहिए. हर तरह का शस्त्र चलाना, युद्ध कला, सब कुछ सिखाया इनको. लेकिन धनुर्विद्या में, यानी तीर धनुष वाले विद्या में, तीर धनुष का यूज करने में ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना चाहिए कि ये एक्सपर्ट थे. असाधारण रूप से ये एक्सपर्ट थे उसमें. इतने कुशल थे ये धनुर्विद्या में कि केवल आवाज सुन करके ये निशाना लगाते थे और निशाना सही जाता था. तो एक दिन ये जंगल में थे, रात होने लगी थी, अंधेरा हो गया था. तो या हो रहा था अंधेरा, क्योंकि इनको कुछ दूरी पर, थोड़ी दूर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. तो इनको आवाज सुनने में आई कि कोई जानवर जो है वो नदी में पानी पी रहा है. ठीक है, तो जब ऐसी आवाज इनको लगी कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है, तो बस आवाज सुन करके उसी डायरेक्शन में इन्होंने अपना तीर चला दिया. लेकिन जब तीर चलाया तो जो आवाज उधर से आई वो किसी एनिमल की नहीं थी, किसी मनुष्य की आवाज आई. एकदम पीड़ा से भरी हुई, दर्द से भरी हुई आवाज. अब ये तुरंत दौड़ के गए, अरे ये क्या, ये मनुष्य की आवाज क्यों आ रही है इतनी पीड़ा युक्त. गए तो वहां पे एक युवक जो है, यंग बॉय, वो जमीन पे पड़ा था, दर्द से कराह रहा था और तीर जो है छाती में लगा हुआ था. गए दशरथ, अब तो क्या कर सकते थे. जब श्रवण ने देखा इनको तो कहा कि ऐसा है कि मैंने क्या गलती की थी कि आपने मुझे मार डाला. अब दशरथ क्या करते भाई, क्या बताते. इन्होंने जानबूझकर तो मारा नहीं था. गोद में उसका सिर लिए और बोले खुद ही कि वो क्या हो गया मुझसे. तो श्रवण ने कहा कि ठीक है, घबराइए मत, आप ऐसा करिए कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जाके पानी पिला दीजिए और ये तीर मेरी छाती से निकाल दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और उनको बता दीजिएगा सारी बात जो यहाँ पे घटना घटित हुई वो बता दीजिएगा. बड़े दुख से दशरथ जी ने तीर निकाला, श्रवण के माता पिता को पानी पिलाया, जाकर के ले गए पानी पिलाया, लेकिन पिलाया नहीं, ले गए पिलाने के लिए. उन लोगों ने पूछा कि भाई कौन पानी लाया है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा पानी लेकर के नहीं आया है. तो ये पानी पिलाने ले जरूर गए, लेकिन उन सबों ने इनके हाथ का पानी नहीं पिया. क्यों? क्योंकि उन सबों को ये समझ में आ गया कि श्रवण पानी लेकर के नहीं आए हैं, कोई और है. और उन सबों को एहसास हो गया माता पिता को कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है. जैसे कि
उन लोग के अंदर के भाव ने ये उनको बताया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। खैर उन लोगों ने पानी तो नहीं लिया, तो ये दशरथ जी ने बताया उन लोग को। तो बेचारे शॉक्ड हो गए, कोई भी हो जाएगा, इकलौते पुत्र थे श्रवण कुमार। अब आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति हुई होगी बूढ़े माता पिता की, श्रवण कुमार ही सहारा थे। अभी सब बेचारे जोर जोर से रोने लगे और फिर इन सबों ने कहा दशरथ से कि चलिए मेरे मृतक पुत्र के यहाँ, मरे हुए पुत्र के यहाँ हम लोग को ले चलिए। तो ले गए दशरथ, कंधे पर जैसे श्रवण कुमार कामर में बिठा के घुमाते थे वैसे ये भी जाके लेके गए जहाँ श्रवण कुमार मृत पड़े थे। उसी समय श्रवण कुमार की आवाज सुनाई दी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा कि मैंने आप लोग की जो सेवा की है इस कारण मुझे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। मेरे लिए आप लोग घबराइएगा मत, मैं प्रतीक्षा करूंगा और जब आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यानी आप लोग भी जब मेरे पास स्वर्ग में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी मैं आप लोग की सेवा करूंगा। श्रवण कुमार के माता पिता ने तुरंत फिर वो सरयू नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात अपने मृतक पुत्र के पास आए और दोनों वहीं पर गिरे और मर गए। क्यों? रीजन ये था कि पुत्र के मृत्यु की शोक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन मृत्यु के पहले उन लोगों ने दशरथ को ये श्राप दिया कि जैसे हम लोग अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं तुम भी इसी कारण मरोगे, तुम्हारी भी मृत्यु इसी कारण से होगी। और वास्तव में इन लोग का श्राप सही हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब राम को वनवास हुआ, राम जी गए दशरथ जी को छोड़कर, तो राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से श्राप भी सही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि खैर अब तो शिकार वगैरह की प्रथा ही नहीं है, अब तो कानून बन गया है कि जानवरों का शिकार कोई नहीं करेगा, जो करता है उसको सजा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल शिकार से ही संबंध है इस लेसन का। इस लेसन का मतलब ये है कि कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार करके तब कोई कार्य करिए, ठीक है। अचानक से जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बेटा इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह सब जा चुका है, स्टोरी आपने सुन ली, अब इसको तैयार करिएगा लेसन को, टेस्ट में आने वाला है, आपको मालूम ही है। ओके बेटा, थैंक यू।